हेलो एंड वेलकम गाइस टू ब्रांड न्यू वीडियो। एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो आज वॉइस कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जा रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और जो भी कोई चैनल में नया है वो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी लाइक T3 कस्टम खेलने का मौका मिले, ठीक है। BGMI स्क्रीम टाइप का ही होता है कल के मैच में। ये वाले मैच में तो भाई साहब कतई जहर वाली फाइट है। आखिरी गेम जोन में भाई 30-31 बंदे होते हैं, तो ठीक है भाई चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ भाई, जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर हो जाए इस चैनल में, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक जन किसी को रॉयल पास गिव अवे करूँगा अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे टीम नंबर 22 और टीम नंबर 1 और टीम नंबर 4 के बीच में अभी फाइट हो सकती है। टीम नंबर 1 का एक प्लेयर क्लियर हो चुका है और टीम नंबर 4 के प्लेयर को पता ही नहीं है कि शायद टीम नंबर 1 का एक प्लेयर यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये भाई साहब थोड़ा सा पिक करके मारना चाहिए था, बट ओपन में आ गया, बट किसी ने इसको स्पॉट नहीं किया, वरना ये फिनिश हो सकते हैं क्योंकि 3-4 बंदे थे उधर। और ये भाई साहब देखते हैं कि क्या करता है, और एक को नॉक करने के बाद सीधा ये 9-2-11 हो जाता है, क्योंकि इसको पता है कि सामने 4-4 बंदे हैं और वो अकेला बंदा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पे टीम नंबर 16 और टीम नंबर 10 के बीच में फाइट हो चुकी है और यहाँ पे दो बंदे नॉक करते हैं। अभी यहाँ पे टीम नंबर 10 को पुश कर देना चाहिए था, बट क्यों पुश नहीं कर रहे ये तो वो ही जानेंगे। अगर पुश कर देते तो फिर टीम नंबर 16 के लिए दिक्कत हो सकती थी, यहाँ पे उनका स्क्वाड क्लियर हो सकता था यहाँ पे। बट यहाँ पे शायद गन अच्छा नहीं है इसके वजह से पुश नहीं किया, या फिर इनका एक टीममेट भी नॉक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है। और मेरे हिसाब से पुश कर देना चाहिए था, एक रिवाइव दे के आता, उसके बाद में पहले दो जन पुश करते, उसके बाद दो जन पीछे जाते, तो ये सही रहता। तो यहाँ पे कार लेके आ चुकी है और यहाँ से अब टीम नंबर 16 निकलना चाहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक पत्थर के कवर में है, तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीम नंबर 16 के लिए। और ये शायद अब जाएंगे इनके ऊपर पुश करने के लिए। टीम नंबर 16 ने टीम नंबर 10 के ऊपर पुश कर दिया भाई साहब, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। और यहाँ पे टीम नंबर 10 के इस प्लेयर को देखते हैं, और यहाँ से ये भाई साहब ओपन में आते हैं, और ओपन में ऐसा टाइप से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भूल गया था कि एक बंदा बग्गी लेके पीछे नदी के साइड भी गया हुआ है, तो वहाँ से भी कवर मिल सकती है, तो दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज़ शायद ये भूल गया होगा, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे टीम नंबर 10 क्लियर हो चुके हैं, और टीम नंबर 10 का एक बंदा शायद यहाँ पे ऑफलाइन है, तो क्लियर ही मान सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे टीम नंबर 17 और टीम नंबर 13 के बीच में फाइट हो चुकी है, ठीक है। टीम नंबर 13 के दो ही बंदे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्प्रे देते हुए यहाँ पे, तो सामने 17 है। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा टीम सर्वाइव कर पाती है, क्योंकि इनके दो बंदे हैं और टीम नंबर 17 के शायद 4 या फिर 3 बंदे हैं, तो दिक्कत हो सकता है। और पीछे से टीम नंबर 17 घूम के आ चुके हैं, तो यहाँ पे शायद बताना चाहिए था कि भाई पीछे से पड़ेगी, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो पीछे से बंदे टीम नंबर 17 आ चुकी थी और टीम नंबर 13 क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे टीम नंबर 8 और टीम नंबर 1 का एक बंदा जो कि स्कूल से भाग के आया था और ये यहाँ पे है, तो अब इसको क्या यहाँ पे पकड़ पाएंगे। यहाँ पे ये पीछे से कूद चुका है और थोड़ा सा कवर में जाने के बाद में फिर से वापस आ चुका है, तो थोड़ी सी अगर सूझबूझ दिखाती ये बंदा गन स्विच करने के टाइम में अगर प्रोन कर जाता तो फिर दिक्कत हो सकता था टीम नंबर 8 के लिए। और यहाँ पे टीम नंबर 22 का एक बंदा नेट से नॉक हो चुका है, और यहाँ पे टीम नंबर 4 चाहेंगे पुश करना, तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा हो गया टीम नंबर 22 के लिए, बट रिवाइव भी हो चुका है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे एक नेट आ चुका है एज फॉर मॉन्स्टर के सामने,
तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टीम एक दूसरे पे पुश नहीं कर रही है क्योंकि सामने स्मोक है, तो पुश करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और यहाँ पे ये भाई साहब पीछे से कूद चुके हैं, और यहाँ पे अगर कोई बंदा एक स्पॉट हो जाता है तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी टीम नंबर 4 का एक प्लेयर नॉक है। तो यहाँ पे 2 को नॉक कर दिया, अब एक ही बंदा बचा है टीम नंबर 22 का। टीम नंबर 22 का ये बंदा अगर इसे रिवाइव दे देता है तो फिर आसानी हो सकती है। तो ये रिवाइव क्यों नहीं दे रहा है मुझे समझ में नहीं आया, और टीम नंबर 22 क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे टीम नंबर थ्री यहाँ पे वाटर सिटी में है, और टीम नंबर ट्वेंटी किसी के साथ फाइट ले रही है। टीम नंबर 20 ने किसी को मार दिया है, ठीक है। और यहाँ पे टीम नंबर 20 का ही एक प्लेयर जोन से नॉक हो चुका है क्योंकि ये लोग ब्लू जोन में है। और टीम नंबर 25 ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल के साइड में, और इनके ऊपर पड़ती है शॉट्स। तो ये लोग अब क्या करते हैं भाई साहब, क्या है ग्लिच है। तो ये लोग फॉल बैक करना चाहेंगे या फिर पुश करना चाहेंगे, ये तो देखने वाली चीज़ है। बट ये लोग फॉल बैक नहीं करेंगे और इनके टीममेट के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद सिर्फ ये लोग पुश करेंगे, और इनका टीममेट आ भी चुका है तो ये लोग चाहेंगे कि पुश करना। और उनका पोजीशन थोड़ा सा ठीक है, और इनका पोजीशन थोड़ा सा, अब ये लोग स्पॉट भी नहीं कर पाए हैं कि बंदे कहाँ कहाँ पे है। तो उनको तो पता है कि गाड़ी के साइड से आए हैं तो उसी साइड में बंदे हो सकते हैं। तो यहाँ पे टीम नंबर 9 का एक प्लेयर नॉक हो चुका है, टीम नंबर 25 के एक प्लेयर ने नॉक कर दिया है हरकुलिस ने, ठीक है। तो टीम नंबर 9 के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक बंदा नॉक फिनिश हो चुका है यहाँ पे टीम नंबर 9 का। और ये लोग काफ़ी अग्रेसिव खेल रहे हैं भाई, तो दिक्कत हो सकती है अगर ये नेट कनेक्ट हो जाता है तो। और यहाँ पे B2K हरकू, तो यहाँ पे देखते हैं एक बंदा पीछे के साइड में है जो कि वो टावर जैसे है, तो उसके पीछे से कवर दे रहा है। अगर वो बंदा अपने क्लियर एक को नॉक भी कर दिया है तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीम नंबर 9 के लिए, क्योंकि दोनों एक नॉक है और एक का 0 HP है। तो यहाँ पे जाके पीछे से टीम नंबर 25 के MKM माफिया ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। और यहाँ पे टीम नंबर 9 का सफाया हो चुका है, और यहाँ पे इजीली अपने टीममेट को रिवाइव दे सकते हैं। और यहाँ पे टीम नंबर टू किसी के साथ फाइट ले रही है, तो पता नहीं है कि किसके साथ फाइट ले रही है, कौन से टीम के साथ। तो सामने देखते हैं कि कौन से टीम है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैप की ओर चलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी 14 टीम और 40 बंदे अलाइव हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि भाई साहब अभी बंदे के मोबाइल का क्या हालत हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टीम नंबर 18 और टीम नंबर 5 के बीच में यहाँ पे फाइट हो चुकी है। तो भाई साहब इनका एक बंदा ऑफलाइन है शायद से मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्प्रे देने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे खुद ही नॉक हो जाते हैं। और टीम नंबर 5 का जो बंदा था जिसको मैंने नॉक मतलब ऑफलाइन बोला था, उसी ने उसको क्लियर कर दिया टीम नंबर 18 का। और यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदे यहाँ पे नेट किए जा रहे हैं। तो ऐसा टाइप का ओपन एरिया है जो कहीं से भी किसी को भी पड़ सकती है यहाँ पे, तो दिक्कत तो सबके लिए है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने मैप को जूम करके रखा हुआ है, तो बंदे कितने हैं आप लोग देख सकते हैं, 11 टीम और 32 बंदे अलाइव हैं, ठीक है। तो मोबाइल का हालत क्या हो रहा होगा, सबके मोबाइल का हालत क्या हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं जोन कितना बड़ा है, ठीक है। और अभी भी 29 बंदे अलाइव हैं, तो दिक्कत तो भाई सबके लिए बराबर ही है, सबका फ़ोन लैग कर रहा होगा। तो यहाँ पे टीम नंबर 3 फायर ऑन अभी,
और यहाँ पे टीम नंबर 16 एक बंदे को रिवाइव दे रहा है, और यहाँ पे दो बंदे नॉक है टीम नंबर 16 के, एक ही बंदा बचा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 टीम और 26 बंदे अभी भी अलाइव हैं, और मैंने मैप को जूम करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लास्ट जोन में क्या ही फाइट हो रहा होगा, और ऐसे ओपन में नहीं जाना चाहिए टीम नंबर 22 के प्लेयर को। सामने कार दिखी नहीं भाई साहब, और क्योंकि पीछे से तो पड़ेगी ही, इतना छोटा जोन है और बंदे आसपास ही हैं, तो ओपन में नहीं निकलना चाहिए था इसको इस टाइप से। ठीक है, तो आप लोग शायद कुछ सीखने को मिला कि ओपन में नहीं निकलते, एक छोटा सा पेड़ है तो उसमें कैसे ही फंस सकते हैं, क्योंकि 25 बंदे अलाइव हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टीम नंबर 2 के B2 के वन भी नॉक हो चुके हैं। तो सामने से टीम नंबर 9 काफ़ी अच्छा फाइट दे रही है, तो पीछे भी बंदे हो सकते हैं, तो वो किस तरफ बचे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा भाई साहब ने एम सॉक कर दिया, और अगर इसका फर्स्ट टाइम में ही अगर पेड़ के पीछे अगर क्रोशियर खुलता तो फिर दिक्कत हो सकता था टीम नंबर 9 के लिए और 8 के लिए। और यहाँ पे टीम नंबर 25 और टीम नंबर, भाई साहब कितने बंदे अलाइव हैं आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा मैप जूम कर दिया है, अभी भी 21 बंदे अलाइव हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि फ़ोन का हालत क्या हो रहा होगा, कौन किस पे फायर दे रहा है, क्या मतलब तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन प्ले जोन से मर रहा है। भाई भसड़ सी मच चुकी है अब तो यहाँ पे, अभी भी 7 टीम और 20 बंदे अलाइव हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही हो रहा होगा भाई साहब। तो टीम नंबर 22, टीम नंबर 20 का एक प्लेयर नॉक पड़ा हुआ है, तो शायद ही रिवाइव मिल पाएगा इसको, क्योंकि इसका टीममेट बहुत दूर है और उसको निकल के आने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वो खड़ा होता है तो फिर ओपन सा एरिया है तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे टीम नंबर 7 और टीम नंबर 4 के बीच में फाइट चलती है, दोनों टीम आपस में भिड़ रहे हैं, तो फिर पीछे से कोई ना कोई टीम तो ठटपाटी करेगा ही यहाँ पे, मुझे पता ही था यहाँ पे टीम नंबर 25 ठटपाटी कर रहा है। यहाँ पे दिक्कत हर टीम के लिए है भाई, जो टीम पहले से कवर में है, टीम नंबर 3 का थोड़ा उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही जोन में है और ऊपर से घर को पकड़ के बैठे हैं, तो दिक्कत तो उनके लिए नहीं है मेरे हिसाब से। तो जोन भी अभी आने वाला है, तो पीछे से अगर टीम नंबर फोनिक्स इनका, तो भाई साहब प्ले जोन ही काट खाएगा इनको, क्योंकि लास्ट के जोन में थोड़ा सा सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपके पास अगर हेल्थ किट भी हो तो फिर मुश्किल हो सकते है। तो यहाँ पे उसको भी किसी ने डीपी से क्लियर कर दिया है, तो यहाँ पे 12 टीम और 4 बंदे, 4 टीम और 12 बंदे अभी भी अलाइव हैं। तो यहाँ पे अब 3 टीम और 10 बंदे, ठीक है। तो टीम नंबर 7 का एक प्लेयर, टीम नंबर 7 का 3 प्लेयर, टीम नंबर 25 का 2 प्लेयर, और टीम नंबर 7 का शायद 4 प्लेयर है, टीम नंबर 7 का 4 प्लेयर, टीम नंबर 3 का 4 प्लेयर, और टीम नंबर 25 का 2 प्लेयर है। तो यहाँ पे 4 4 8 2 10, हाँ वही हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से कौन सा टीम चिकन लेके जाता है। तो यहाँ पे टीम नंबर 3 का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जोन में है, और वो लोग तो चाहेंगे कि भाई साहब गेट कीप करना। और यहाँ पे उजी पे होलो साइड में इतना लंबा दूर तक स्प्रे देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फायर ऑन मेरा, फायर ऑन चिंटू, तो ये लोग भी काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, मैंने 2-3 बार इन लोगों के साथ भी खेला है, फायर ऑन चिंटू, फायर ऑन चाचा और फायर ऑन मेहरा, ये लोग काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, मैं 2-3 बार खेल चुका हूँ इन लोगों के साथ में। तो यहाँ से हो सकता है ये लोग चिकन लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो आईजीएल है तो वो थोड़ा सा फायर ऑन चाचा
आईजीएल करता है, तो ये थोड़ा अच्छा ही आईजीएल कर लेता है। तो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हो चुका है और यहाँ पे फायर ऑन अभी ने यहाँ पे एक बंदे को नॉक भी कर दिया है। तो यहाँ पे टीम नंबर 25 को पीछे से आने का मौका मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर ये लोग तो पीछे से आते हैं तो फिर, और यहाँ पे टीम नंबर 25 का एक प्लेयर नॉक है और यहाँ पे टीम नंबर 25 का प्लेयर क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे टीम नंबर 7 का दो प्लेयर है और टीम नंबर 3 का चार प्लेयर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा टीम नंबर 3 के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि सामने कौन सा टीम चिकन लेके जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सब टीम के लिए, क्योंकि ओपन में एरिया है और जिस टीम के पास ज़्यादा स्मोक रहेगा वही टीम यहाँ से चिकन लेके जा पाएगा। तो टीम नंबर 7 भी अच्छा ही खेल रहा है, तभी तो यहाँ तक आ पाया है। और टीम नंबर 3 तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं वैसे भी। तो इनका चारों बंदा अभी भी अलाइव है और शायद टीम नंबर 3 का ये प्लेयर फायर ऑन मेहरा को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, तो यहाँ पे क्लियर हो जाते टीम नंबर 7 और चिकन लेके जाते हैं यहाँ पे टीम नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।